हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? घर पे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आज हम करने वाले हैं 14 मई का करंट अफेयर, सारे खबरें कवर करेंगे बहुत ही जल्दी। ज्यादा खबरें आज है नहीं, फिर आप कहते हो रेगुलर क्लास नहीं होती, इसलिए मैं आज क्लास ले रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा, वैसे 6 से 7 मिनट में ही होने वाला है, क्योंकि ज्यादा खबरें नहीं, 5 खबरें होंगी मुश्किल से आज के दिन की, जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। पढ़ाने को आपको क्या करते हैं, अदर करंट अफेयर वाले 15 खबर पढ़ा देंगे, बस उनको अपना कंटेंट बड़ा करना होता है और कुछ नहीं। आपको जो खबरें पढ़नी है वो इम्पोर्टेंट 5 या 7 ही होती है पर डे, वो आपको जान लेनी है, ठीक है? उसमें से पेपर में आए तो आए, ना भी आए, क्योंकि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन। करंट अफेयर कितने दिन का आता है, कम से कम 6 महीने का। अगर एक दिन में 10 भी पढ़ोगे तो 6 महीने में कितना हो गया, आप जानते ही हो, ठीक है? तो अगर 14 मई की बात कर लेते हैं हम, तो 14 मई को पहली खबर की बात करें तो एक ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स आया है। मतलब इसमें क्या है, सिटीज की रैंक आई है, विश्व की जितनी भी सिटीज है ना उनकी रैंक आई है कि कौन से देश की क्या रैंक है। तो इसमें इंडिया की जो है वो दिल्ली सिलेक्ट हुई थी, और दिल्ली की जो रैंक है वो कौन सी है, 32nd रैंक। और आपको पता हैरानी होगी जान के कि इसमें जो सबसे खराब रैंक है ना वो है न्यूयॉर्क की। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब पे थोड़ी सी इन्होंने निकाली है, न्यूयॉर्क की सबसे खराब रैंक बताई गई है, दिल्ली की 32nd रैंक इस इंडेक्स में दी गई है। इसके बाद अगली खबर की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करा देता हूं मैं आज आपको, बहुत ही जो भी आसानी से आपको समझ आने वाली है। एक SHWAAS, श्वास, सांस जिसको लेना कहते हैं ना, श्वास, श्वास एक क्या बनाया गया है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बनाया गया है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, जिसकी मार्केट में भी डिमांड काफी ज्यादा है, आप भी जानते हो। तो ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया इसरो के द्वारा। अब कहोगे सर कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर तो मार्केट में पहले से ही बहुत सारे हैं, तो इसके फायदे क्या है, एक तो ये इंडिया बेस्ड है, दूसरा मतलब बाहर वाले जो अभी आ रहे हैं चाइना वाला प्रोडक्ट, उसमें काफी डिफेक्टिव चीज आ रही है, ठीक है? और एक ये मेडिकल के लिए यूज होने वाला है, तीसरा इसमें जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। अब जो कंसेंट्रेशन आ रहे हैं, कंसेंट्रेटर आ रहे हैं, वो 70-80 1-1 लाख रुपए तक आ रहे हैं, 70-80 हजार 1-1 लाख रुपए तक, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहने वाला है। इसके अलावा 3 वेंटिलेटर और बनाए हैं नए तरीके के, किसने, इसरो ने, ठीक है? ये 3 वेंटिलेटर किसने बनाए, इसरो ने बनाए। श्वास नाम का ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर किसके द्वारा बनाया गया, इसरो के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है जी? इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, और तीसरी खबर की बात करें तो आरबीआई ना अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। कौन बनाया गया इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उनका नाम आप लिख लो यहां पे, जोश जे कट्टूर, ये इनका नाम है, जोश जे कट्टूर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए। अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करूं तो कौन है, शक्तिकांत दास, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ देता हूं, जिससे आप पढ़ो, स्टडी करो और ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, शायद 5 मिनट में हम कवर कर लेंगे सारी चीजें। एक पैसेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है, पैसेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है, कौन कौन से देशों के बीच हुआ होगा, ये आप कुछ बता सकते हैं मेरे को, पैसेक्स युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में ये हुआ है, कमेंट करके भी बताना है और अभी बताओ क्लास में भी। तो पैसेक्स युद्ध अभ्यास की बात करें तो पैसेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है इंडिया और इंडो नेशिया के बीच में। अब इसके साथ कुछ और स्टैटिक जीके के बारे में जान ले, तो जैसे आप मेरे को बता दो, खंजर, खंजर किन किन देशों के बीच में होता है, तो ये होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान। अगर इसके बाद बात करूं दस्तलीक, तो ये किसके बीच में होता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है जी? अगर इसके बाद बात करूं संप्रीति, ये किसके बीच में होता है, इंडिया और
बांग्लादेश। ठीक है, ये कुछ अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। इसके अलावा एक मालाबार एक्सरसाइज और हुई है जिसमें किन चार देशों ने भाग लिया था, क्वाड के चार देशों ने भाग लिया था। क्वाड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद आगे और खबरों को देख लेते हैं। एक बीमारी के बारे में आपको और बता देता हूं, मतलब तो बीमारी ही कहेंगे उसको, एस्पर्जेंस सिंड्रोम। ये क्या होता है, एक तरीके की बीमारी है। ठीक है, ये बीमारी अभी किसको हो गई है, किसने अनाउंस किया कि मेरे पे बीमारी होगी, एलन मस्क को, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एलन मस्क को ये एस्पर्जेंस सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई। इसमें क्या होता है कि समाज से अलग अलग रहने लगता है वो इंसान, अलग अलग रहेगा अपने परिवार से, समाज से सबसे दूरियां बनाने लगता है धीरे धीरे। तो एस्पर्जन सिंड्रोम एलन मस्क को ये बीमारी हो गई है। और मैं पूछ लू अगर पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, चलो ये आप बता दो पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा 13वां गुणसूत्र होता है ना उसमें कमी आ जाने की वजह से पटाऊ सिंड्रोम आपको हो जाता है। इसके बाद अभी भाई बारिश वगैरह देख रहे होंगे आप, आपके यहाँ पे बारिश हो रही होगी तो किस वजह से हो रही है उसका कुछ पता है आपको, क्योंकि अभी मानसून तो आया नहीं है। तो एक क्या आने वाला है, चक्रवात आने वाला है। चक्रवात का नाम क्या, तोकातो चक्रवात आने वाला है हमारे पश्चिमी घाट पे। तोकातो चक्रवात आने वाला है कहां पे, पश्चिमी घाट पे, जिसमें कौन कौन से जगह प्रभावित होंगी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, उस साइड का इलाका प्रभावित होने वाला है। गोवा वगैरह भी इसमें आ जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा वगैरह भी इसमें आने वाले हैं तोकातो चक्रवात के अंदर। ठीक है, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है तोकातो, तो ये म्यांमार के द्वारा इस नाम को दिया गया है। ये हर बार जब भी कोई चक्रवात आता है तो हिंद महासागर के 8 देश है वो बारी बारी से चक्रवात का नामकरण करते हैं। म्यांमार ने इसका अगली बार नाम दिया है तोकातो। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात, कहां पे आने वाला है, इंडिया के पश्चिमी तट पे चक्रवात आने वाला है। तो ये थे कुछ आपके इंपोर्टेंट करंट अफेयर, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट लगी होंगी हमको करने में। और आप इस क्लास को शेयर किया कीजिए जिससे कि मैं और ज्यादा कंटेंट आपको दूं, नहीं तो फिर आपकी क्लासेस को पहले की तरह फिर कम करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा से ज्यादा आप क्लासेस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।